मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों सहित विभिन्न विभागों की मंडलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। बजट की उपलब्धता के बावजूद यदि कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण नहीं होता है अथवा कार्य मानक के विपरीत पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि बजट का अभाव हो तो शासन को पत्राचार किया जाए और निर्माण कार्यों में यदि कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो शीघ्र प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएं ताकि उसका त्वरित निस्तारण किया जा सके। बैठक में गोरखपुर को छोड़कर शेष 3 जनपदों की ऑनलाइन समीक्षा की गई। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रगति मंडल में 22% पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि गरीबों के लिए यह अति महत्वपूर्ण योजना है, इसका लाभ पात्र जनों को समय से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को लाभ दिलाने हेतु उनकी सूची तैयार की जाए तथा इस कार्य को प्रधान एवं कोटेदार जनसुविधा केंद्रों आदि का सहयोग ले और सितंबर माह में कैंप लगाकर गोल्डन कार्ड बनाए जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है। कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से आच्छादित होने से बचना नहीं चाहिए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। बैठक में मंडलायुक्त ने शासन के विकास प्राथमिकताओं में शामिल अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आज की बैठक जो सेक्टर वार रखी गई है, इसमें सबसे पहले जो चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण का है सर, इसमें जो बिंदु है सर, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया चिकित्सकों को उपलब्ध था, केडी साहब ने बताया सर, बताओ 3060 में बता दीजिए। अच्छा वो बताओ यार, वो मैंने कहा था उस आदमी को हटाने के लिए, वो क्यों नहीं हट पा रहे हो? अगर आपको कोई इश्यू है तो उससे कभी कर लीजिए मेरे से। आपका जो सर सेकंड डोज कवरेज है उसका सर 45 प्लस में सेकंड डोज का कवरेज को बढ़ाने का आवश्यकता है। मंडल में करीब 39 लाख डोज रह चुके हैं फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 7,70,000 है और सेकेंड डोज फोन करके बुलाते हैं और जो रूटीन में विद इन पीरियड है वो रूटीन में है कि अपना कहाँ से वर्स्ट परफॉर्मेंस को सर तो कौन सी ब्लॉक में अच्छा परफॉर्मेंस है और महाराजगंज में कौन सी ब्लॉक में अच्छा परफॉर्मेंस है और कौन सी ब्लॉक में सर अभी वो टाइम कम था अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस में ब्लॉक वाइज दे देंगे शाम तक सर। देखो यही मैं कहता हूँ, मीटिंग में आने का मकसद क्या है? आपने कह दिया 45% है, क्या मुझे जो शहर का नजदीक की चरगांव ब्लॉक में भी 45% है और गगा में और मेरा कौड़ीराम में भी 45% है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो थे लोगों ने अपने ही आदमी को फिर सर उनसे बोले कि हम लोग सर्टिफिकेट दिखा दो तब जाके सर हम लोग का कवरेज बढ़ा था, क्योंकि ये जैसे सर बता रहे थे 4,59,000 ऐसे हैं तो जिसमें से सारे डिपार्टमेंट के भी लोग हैं उन लोगों को सर हम लोग कवरेज करवा सकते हैं।